नमस्ते एवरीवन। देखो बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर के दौरान अपन ने वर्ग साइक्लोस्टोमेटा के दो गणों की बात की थी, पेट्रोमाइजोंटिया और मिक्सिनोडिया। तो इसमें अपन फर्स्ट ऑर्डर्स को देखेंगे, पेट्रोमाइजोंटिया। तो बात करते अपन पेट्रोमाइजोंटिया की। यह समुद्री जल में पाए जाते हैं, यानी पेट्रोमाइजोंटिया ऑर्डर के जो जीव होते हैं वह लवणीय जल में देखने को मिलेंगे। इनका शरीर लंबा तथा इल समान होता है। इनके पृष्ठ सतह का रंग गहरा होता है, जबकि अदर सतह का रंग हल्का होता है। इनकी गहरे रंग की होगी, जबकि जो अदर सतह होगी वह हल्के रंग की होती हैं। इनका शरीर सिर, ग्रीवा, धड़ व पूंछ में विभक्त रहता है। माइजोंटिया के गण के जीवों का शरीर सिर, ग्रीवा, धड़ व पूंछ में विभक्त रहता है। इनके मुख में तीखे दांत पाए जाते हैं, यानी नुकीले दांत प्रेजेंट रहते हैं। इनमें अप्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्तन पाया जाता है। अप्रत्यक्ष परिवर्तन का मतलब होगा इनमें लार्वा पाया जाता है, प्रत्यक्ष यानी कि लार्वा एब्सेंट होना। इनमें बाह्य निश्चन देखने को मिलता है, यानी कि शुक्राणु और अंडाणुओं का स्खलन बाहर जल में कर दिया जाता है और वहाँ पर उस जलीय माध्यम में ही निश्चन की क्रिया संपन्न होती है। बाह्य निश्चन के लिए जो माध्यम का कार्य करता है वह जल होता है। इनमें पृष्ठीय तथा पुच्छीय पंख पाए जाते हैं। इनमें सात जोड़ी गिल क्लेप्स, यानी गिल दरारें पाई जाती हैं जो श्वसन से संबंधित होती हैं। इनमें होलोब्लास्टिक प्रकार का विदलन पाया जाता है, जैसा कि अपन ने पढ़ा था पेपर थर्ड की यूनिट थर्ड में, क्लीवेज यानी विदलन में। पेट्रोमाइजोन को सामान्य भाषा में लैम्प्रे कहा जाता है, यानी जिस प्रकार लैम्प जलता है उसी प्रकार दिखाई देता है पेट्रोमाइजोन, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दूसरों पर आश्रित। यह प्रवास को दर्शाती हैं। एग्जांपल देखें अपन इसमें पेट्रोमाइजोन। बात करते अपन सेकंड ऑर्डर्स की मिक्सिनोइडिया, इसे हैंग पीस भी कहते हैं। इनका शरीर धारा रेखित प्रकार का होता है। इनमें 8 से 15 जोड़ी गिल दरारें पाई जाती हैं। इनमें नासा छिद्र मुखगुहा में आकर खुलते हैं। इनमें परिवर्तन प्रत्यक्ष प्रकार का पाया जाता है, यानी कि लार्वा एब्सेंट होता है। यह एकलिंगी होते हैं, यानी कि नर और मादा अलग अलग देखने को मिलेंगे। इनमें मीरोब्लास्टिक प्रकार का विदलन पाया जाता है। इनमें पंख या फिन्स पाए जाते हैं। इसमें मिक्सिनोइडिया में एग्जांपल देंगे अपन मिक्साइन, यानी चुड़ैल मछली। तो बात करते अपन साइक्लोस्टोमेटा के अंदर पेट्रोमाइजोन यानी लैम्प्रे। जो क्लास है साइक्लोस्टोमेटा, इसके अंदर पढ़ेंगे अपन पेट्रोमाइजोन। जो पेट्रोमाइजोन होता है इसका गण होता है पेट्रोमाइजोंटिया। तो देखते अपन वर्गीकरण। तो फाइलम कोडेटा, ग्रुप होगा इसका क्रेनिएटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, डिवीजन एग्नेटा, क्लास होगी साइक्लोस्टोमेटा, ऑर्डर होगा पेट्रोमाइजोंसिया या पेट्रोमाइजोंटिया, जीनस होगा पेट्रोमाइजोन, स्पीसीज होगी मेरिनस। आवास एवं स्वभाव देखेंगे अपन। यह स्वच्छ जलीय आवास तथा समुद्री जलीय आवास दोनों में पाए जाएंगे, यानी स्वच्छ में भी और समुद्री आवास में भी। यह मांसाहारी होती हैं पेट्रोमाइजोन। यह एकलिंगी होती हैं, इनमें बाह्य निश्चन पाया जाता है। एकलिंगी की नर और मादा अलग अलग होंगे। बाह्य निश्चन की जल के माध्यम से निश्चन की क्रिया संपन्न होगी। इनमें परिवर्तन अप्रत्यक्ष प्रकार का पाया जाता है, अर्थात इसमें लार्वा अवस्था पाई जाती है। जो पेट्रोमाइजोन का लार्वा होगा उस लार्वा को बोलते अपन एमोसिट लार्वा। पेट्रोमाइजोन की संरचना इस प्रकार दिखाई देती है, इल के समान होगा, यानी कि लंबा होता है, नुकीला होता है। देखते अपन स्ट्रक्चर ऑफ पेट्रोमाइजोन। पेट्रोमाइजोन की संरचना को निम्न प्रकार प्रदर्शित किया गया है, शेप, साइज, कलर। तो फर्स्ट पॉइंट होगा अपना, इसका शरीर लंबा तथा बेलनाकार होता है, जैसा कि अभी बताया। द्विपार्श्व सममिति से युक्त होता है। इनकी पृष्ठ एवं अदर सतह स्पष्ट प्रकार की होगी। इनकी पृष्ठ सतह गहरे रंग की होती हैं, जबकि अदर सतह हल्के रंग की होती हैं। इसकी लंबाई 1 मीटर तक होती हैं।
पार्ट ऑफ बॉडी देखेंगे, यानी बॉडी पार्ट में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। पेट्रोमाइजोन का शरीर मुख्य रूप से सिर, धड़ व पूंछ में विभक्त रहता है। इसके शरीर में निम्न संरचनाएं पाई जाती हैं, आँख आइज। पेट्रोमाइजोन में एक जोड़ी नेत्र पाए जाते हैं जो सिर के पार्श्व भाग में स्थित होते हैं। इनके नेत्रों में पलकों का अभाव देखने को मिलता है तथा नेत्रों पर पारदर्शी आवरण देखने को मिलता है। इनकी नेत्रों में पारदर्शी आवरणों का उसकी वजह से ये अल्पदर्शी होते हैं। नोस्टिल जंतु के सिर भाग में पृष्ठ सतह पर एक नासा छिद्र पाया जाता है जिसका संबंध मुख गुहा से होता है। इनकी नोस्टिल जो होगा मुख गुहा में ओपन होता है। माउथ या बक्कल फनल, शीर्ष भाग के अंदर में एक वर्ताकार मुख देखने को मिलता है जिसे मुख कीप कहा जाता है। इसके चारों ओर पतली झिल्ली पाई जाती है जिसे परिधीय झिल्ली कहा जाता है। इस झिल्ली के ऊपर उभरी हुई संरचना पाई जाती है जिसे संवेदी अंग कहा जाता है। इन संवेदी अंगों को मुख्य संवेदी अंग भी कहा जाता है। मुख कीप के मध्य में एक छिद्र पाया जाता है जिसे मुख छिद्र कहा जाता है। ये मुख छिद्र प्लेट्स के द्वारा घिरा रहता है। मुख छिद्र के चारों ओर विशेष प्रकार के तीखे दांत पाए जाते हैं जो चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। तो इस बक्कन फलन की संरचना देखें अपन, तो इसमें मार्जिनल मेम्ब्रेन होगी परिधीय भागों में, और बीच में जो छिद्र प्रेजेंट होगा उसे माउथ पोर कहते हैं, और इसके पास में हॉर्नी टीथ यानी कि नुकीले दांत प्रेजेंट होंगे, और इस मार्जिनल मेम्ब्रेन पर सेंसरी सिराए प्रेजेंट होंगे। जो सेंसरी सिराए जो होते हैं वो जंतुओं को एक प्रकार से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं, यानी वो शत्रु के आक्रमण या भोजन की सूचनाओं को पहुंचाने का कार्य करेंगे। देखते अपन अगला पार्ट टेल। पेट्रोमाइजोन में पश्चिम भाग में पूंछ पाई जाती हैं जो कि छोटी होती हैं। पेट्रोमाइजोन में पृष्ठीय तथा पुच्छीय पंख पाए जाते हैं। फिन जो होंगे वो पृष्ठीय होंगे, पृष्ठ भाग में डोर्सल सरफेस में प्रेजेंट होंगे और पूंछ भाग में प्रेजेंट होंगे। जो फिन होते हैं उनका काम होता है तैरने में सहायता करना। लेटरल लाइन या पार्श्व रेखा, जंतु पार्श्व भाग में विशेष प्रकार की संवेदी रेखा पाई जाती हैं जो जल में होने वाली हलचल को ग्रहण करने का कार्य करती हैं। जल में जो हलचल होगी उसको ग्रहण करेगी। इसके अलावा एक निश्चित दिशा में गति करने के लिए भी यानी एक प्रकार से संतुलन बनाए रखने का कार्य करती हैं। पेट्रोमाइजोन का एक निश्चित दिशा में गति करवाती हैं। छिद्र या पोर, पेट्रोमाइजोन में निम्न छिद्र पाए जाते हैं, गिल दरार या गिल क्लैप्स। पेट्रोमाइजोन में इनकी संख्या 7 जोड़ी होती हैं। जो जंतु के पार्श्व भाग में स्थित होते हैं इनकी सहायता से जंतु श्वसन की क्रिया करने का कार्य करता है। जो गिल क्लैप्स होता है, गिल्स होते हैं, वो श्वसन में सहायता करते हैं। देखेंगे माउथ पोर या मुख छिद्र, जंतु के अग्रभाग में विशेष प्रकार का छिद्र पाया जाता है जिसे मुख छिद्र कहा जाता है। क्लोइका या अवस्कर, जंतु के धड़ भाग तथा पूंछ की सीमा पर एक छिद्र पाया जाता है जिसे क्लोइका या अवस्कर छिद्र कहते हैं। इस छिद्र की सहायता से अवशिष्ट पदार्थों तथा युग्मकों का स्थानांतरण होता है। यानी जनन छिद्र और गुदा छिद्र एक साथ खुलना क्लोइका या अवस्कर छिद्र कहलाता है। तो ये पेट्रोमाइजोन की संरचना इस प्रकार की होती है। इसमें डोर्सल फिन और कॉडल फिन, जो फिन पाए जाते हैं या फंक प्रेजेंट होंगे जो तैरने में सहायता करते हैं, और ये 3 भागों में बटा हुआ होगा। मेनली 3 भाग होते हैं, हेड, ट्रंक और टेल। इसके अलावा इनमें नोस्टिल्स पाए जाते हैं जो श्वसन में सहायता करते हैं। बक्कल फनल्स होंगे जो सुरक्षा प्रदान करेंगे बाहर की ओर होंगे। आइज होगी जो इनको एक प्रकार से दृष्टि प्रदान करती हैं। 7 जोड़ी गिल स्लेट्स या गिल क्लेप्स पाई जाती हैं, दरारें पाई जाती हैं जो श्वसन में सहायता करती हैं। और लेटरल लाइन जो होगी ये पार्श्वीय भाग में प्रेजेंट होती हैं, और जल में होने वाली हलचल या गति के लिए इनको एक प्रकार से सूचना प्रदान करती हैं। एनस पोर पाया जाता है जिसके द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। यूरोजेनाइटल पेपिला होगा जो जनन छिद्र से संबंधित होता है, जो जनन में सहायता करता है यूरोजेनाइटल पेपिला। इसके बाद देखेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के दौरान एमोसिट लार्वा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक